गाइस गुड मॉर्निंग। और आज है मकर संक्रांति, तो सबसे पहले सबको हैप्पी मकर संक्रांति और नमस्ते सत श्री अकाल। अब क्योंकि एक फेस्टिवल है तो सबसे पहले तो फेस्टिवल का विश करना बहुत जरूरी है। तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति, कैसे एंजॉय कर रहे हैं कमेंट जरूर करना, बताना क्या क्या बनाए, क्योंकि मकर संक्रांति, लोहड़ी, ये सारी जो है फेस्टिवल, खाना पीना एंजॉय करना, यही होता है फेस्टिवल, तो बस ऐसे ही इंजॉय करेंगे। और मेरा भी बस सारा काम निपट गया। मैंने बोला आज कैमरा मैंने स्टार्टिंग में, मतलब सुबह से नहीं स्टार्ट किया, मैंने बोला पूरा काम निपटा कर नहा धोकर फिर मैं आपके साथ बात करूंगी। और स्टार्ट करती हूँ अपना मकर संक्रांति वाला व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं मकर संक्रांति में, जो करती हूँ मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी अभी। वैसे क्योंकि अंकित जी को जाना था तो फटाफट, मैं सुबह बिल्कुल टाइम नहीं था जल्दी जल्दी, तो मैंने सारा काम उनको निपटा के, वैसे भी देखिए मकर संक्रांति का छुट्टी नहीं मिलता है, स्कूल कॉलेज वगैरह में और ऐसे जगह में मिल जाता है, पर बाकी जगह मकर संक्रांति का ऑफ नहीं होता है। तो काम है, काम तो करना ही था, तो वो तो चले गए। अब मैं और पीहू हैं, तो चलिए वो अपना सुबह जो करना रहता है वो मंसना रहता है हमारे में, तिल वगैरह मंसते हैं तो खिचड़ी मंसते हैं, वो मंस कर चले गए। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे मंसते हैं, हमारे में कैसा होता है, वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ये देखिए मैं किचन में लेके आई हूँ आपको, और दिखाती हूँ मैंने क्या तैयारी की है मंसने के लिए, मैंने क्या क्या रखा है, हमें कैसा होता है, मतलब हम पंजाबियों में, मेरी सासू माँ ने जैसे मुझे सिखाया, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा मेरा, अगर जो शुरू से देखते आ रहे हैं उन्होंने देखा होगा, और इस साल भी मैं वही कर रही हूँ जैसा कि मेरी सासू माँ ने सिखाया था। तो प्लेट दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो है मैं चावल है और ये दाल है मैं निकाली हूँ, खिचड़ी का सामान है, और ये है काला तिल और गुड़। ये चारों चीज़ों को हम मंसते हैं, तो बस इसको मैं ऐसे रख दे रही हूँ यहाँ पे, और अब इसे मैं पानी से मंसूंगी, और पीहू भी, हम दोनों अभी नहाए हैं, तो चलिए पीहू को बुलाती हूँ और हम मंसते हैं। जय सूरज बाबा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गाइस। ये जो है खिचड़ी का सामान है निकाल रही हूँ, इसमें आलू भी डाल रही हूँ, आलू डाल दिया है, और ये सारा तिल, गुड़, चावल, दाल, ये सब मैं रखती हूँ। अभी देखो जमादार अगर आएगा तो झाड़ू लगाने वाला, तो फिर मैं तब इसे दे दूंगी उसे ही, अगर नहीं आया तो फिर मंदिर जाऊंगी। और ये देखिए खिचड़ी के लिए मैंने सब्जी वगैरह भी काट लिया है, तो बस खिचड़ी बनाऊंगी, पहले नाश्ता, पीहू को भूख लग गई है, तो कल मैंने लोहड़ी था तो पनीर की सब्जी बनाई थी तो वो बचा हुआ है, क्योंकि मैं जानबूझकर ज्यादा ही बनाई थी क्योंकि पीहू को पनीर बहुत पसंद है। तो बस अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटी सेकने, और पीहू को पहले नाश्ता करा दो फिर खिचड़ी बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अब किचन में नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट नाश्ता कर कर हम फ्री हो जाएंगे तभी खिचड़ी बनाऊंगी मैं। और आज के दिन जो खिचड़ी बनती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है ऐसे, और नॉर्मली आप बना लो बट फेस्टिवल के नाम से, कोई भी फेस्टिवल हो, अगर उस नाम से कोई स्पेशल, अगर उस फेस्टिवल का जो डिश होता है ना उसका, उस रेसिपी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी मैं रोटी बना रही हूँ और फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। सो गाइस, ये है हमारा ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हो, तो रोटी और सब्जी, पनीर, मटर पनीर की सब्जी। तो बस अब मैं ले जा रही हूँ पीहू को खिलाने, और खिलाकर फिर मिलती हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, तो फिर खिचड़ी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी मैं कैसे खिचड़ी बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए पीहू और मैं, हम लोग थोड़ा देर धूप में बैठे हैं नाश्ता करने के बाद, है ना, पीहू और मम्मा दोनों धूप में बैठे हैं,
पीहू भी है ना न्यू न्यू फ्रॉक पहनी है ना। मुझे नींद आ रही है धूप में। हाँ धूप में नींद आ रही है। तो हम लोग बस अभी धूप के मजे ले रहे हैं थोड़ा देर, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। किचन में आ गई हूँ और ये देखिए मैंने ये जो दाल है मूंग दाल है, तो ये वाली दाल से मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। इसे मैं पहले फ्राई कर लूंगी, मतलब फ्राई मतलब भून लूंगी, बस ऐसे ड्राई फ्राई करूंगी इसे, और फिर इसे निकाल लूंगी, उसके बाद धोऊंगी इसे, ताकि इसमें सोंधा बना जाता है फ्राई करने से। तो विदाउट ऑयल ऐसे ही फ्राई करना है, तो बस मैं इसे ये फ्राई कर लूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैं इसे रोस्ट कर ले रही हूँ, और इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करना। भून रहा है तब तक से मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सब्जी लिया है खिचड़ी में डालने के लिए। गाजर है, गोभी है, कैप्सिकम है और मटर है। तो ये सब्जी मैं डालने वाली हूँ सब्जी में खिचड़ी में। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है और भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सोंधी सोंधी सी खुशबू। तो चलिए अब इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। ये देखिए इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल डालने के बाद इसमें तड़का लगाऊंगी मैं जीरा से। ये देखिए जीरा से तड़का लगाया, जीरा से तड़का लगाने के बाद तेज पत्ता और खड़ी लाल मिर्च है, इसका भी तड़का लगाना है। अब इसके बाद ये अच्छे से भून गया है, तो ये सारी सब्जियां। उसके बाद अब मैं डालूंगी ये खड़े मसाले जो होते हैं, लौंग है, गोल मिर्च है और दालचीनी, ये डाल रही हूँ मैं। ज़्यादा मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा इससे भी तीखा हो जाता है, तो पीहू भी खा ले थोड़ा बहुत चख ले, उस हिसाब से ही बना रही हूँ। अब इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी। अब इसमें डाल रही है थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि जीरा का तड़का लगाया तो जीरा पाउडर मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो। और अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला। ये देखिए ये गरम मसाला पाउडर है, तो मैं इसे ऐड कर देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्लेवर के लिए चाहिए बस। तो ये देखिए मसाला पाउडर। ये देखिए अदरक और टमाटर जो है मैं ये डालती हूँ थोड़ा भुनने के बाद। तो ये देखिए टमाटर मैं इस तरीके से ऊपर से ही काट दूंगी, और अदरक को भी ऊपर से ही किसके डालूंगी जब सब्जी थोड़ी सी भुन जाएगी। तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हमेशा ही आप देखते हो मेरे वीडियो में अदरक जो है मैं इस तरीके से ही डालती हूँ ऊपर से। तो आप भी ऐसा ट्राई कर देखना खिचड़ी बनाकर, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है। तो चलिए अदरक किसका डाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड सब्जी जो है हमारी अच्छे से भुन गई है और बहुत यम्मी सी खुशबू आ रही है, ऐसे ही इतना मन कर रहा है कि जल्दी से बन जाए खिचड़ी। और चलिए तो अब इसमें ये भुन गई है, तो अब मैं इसमें चावल और दाल जो है ये देखिए जो मैंने भिगा कर रखा हुआ है धो लिया है, अब इसे भी ऐड। तो ये देखिए इसे मैं चावल और दाल को दोनों को ऐड कर दे रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत यम्मी खिचड़ी बनेगी, ऐसे आप ट्राई करना। आलू मैंने नहीं डाला क्योंकि आलू कौन खाए मुझे आलू वैसे भी कम पसंद है। तो बस अब इसमें मैं पानी डालूंगी और नमक। तो मैंने पानी डाल दिया है, ये देखिए पानी डल गया है। तो थोड़ा खिचड़ी में पानी ज़्यादा ही डाली हूँ मैं, और अब उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक ऐड कर रही हूँ। और फिर उसके बाद बस कुकर लगा देना ढक्कन, और दो सीटी में हमारा जो खिचड़ी है रेडी हो जाएगा। फ्रेंड खिचड़ी जो है रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ खिचड़ी, और चलिए कैमरा बैक करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड यम्मी खिचड़ी मेरी जो रेडी हो गई है, मैंने ज़्यादा गीला नहीं रखा है, थोड़ा सूखा सूखा ही बनाया है। तो ये देखिए खिचड़ी रेडी, अब चलिए इसमें गर्मा गर्म घी डालते हैं और खिचड़ी खाते हैं। फ्रेंड खिचड़ी और इसमें मैं डाल रही हूँ घी, तो गर्मा गर्म खिचड़ी में घी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो मिक्स कर दे रही हूँ मैं इसे अच्छे से घी को, और बस अब तो मैं खाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलिए खाते हैं खिचड़ी, खाते हैं और मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। यम्मी, बहुत टेस्टी लग रहा है।
बिल्कुल दुर्गा पूजा का खिचड़ी मुझे याद आ गया, दुर्गा पूजा में खाते हैं जो खिचड़ी वैसा ही फ्लेवर एकदम, तो बहुत मजा आया। सो गाइस, मैंने खिचड़ी खा लिया। खिचड़ी के बाद तो अब खाना बनता है गजक, तो अब मैं जा रही हूँ गजक खाने, और गजक खाकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर मिलती हूँ। रूटीन तो नॉर्मल ही चलेगा, अभी पीहू का होमवर्क भी कराना है क्योंकि छुट्टी है, तो वो होमवर्क आज सुबह से कुछ नहीं छुई है, तो आएगी अभी खेल रही है तो होमवर्क करेगी, और फिर देखते क्या क्या होता है, सब मैं आपके साथ आगे के शेयर तो करूँगी ही। तो चलिए अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ गजक खाकर, और आप भी गजक खा लीजिए। सो फ्रेंड्स, दोपहर को आराम करने के बाद मैंने इवनिंग में, मैं बोला गरम चादर जो है गंदा हो गया था, तो मैंने चेंज करके दूसरा नया बिछा दिया, और बस यही सब काम निपटा रही थी इवनिंग का। सो गाइस, पीयू जो है खेल कर आ गई है, और अभी देखिए पीछे पूरा फैला हुआ है ये सब, वो मुझे सुबह साफ करना होगा। अभी सेकंड हाफ में मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, आपको लग भी रहा होगा देखकर, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अभी मैं वो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, सारा दिन अच्छा निकल गया जो भी है, दोपहर के बाद से थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे जो था वो होने लग गया है, और बस थोड़ा सा डर हो गया मन में, और वो प्रॉब्लम मैं अगर हो सकेगा तो अगर आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी कंफर्म नहीं है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है बट कंफर्म नहीं है कि वो क्या होगा आगे, तो मैं आपको कंफ्यूज कर रही थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। बट पीहू एक मिनट स्टॉप करना बेटा, ठीक है। तो पीहू और मैं अभी बैठे थे, और पीहू को बस मैंने ये देखिए अभी खाना खिलाया है, और ये दोपहर में खाना नहीं खाई थी और बाहर ही खेलती रही है, आज पूरा पूरा छुट्टी मनाई है इसने, पूरा छुट्टी। क्यों पीहू? अब होमवर्क करोगे? होमवर्क करना है ना बेटा, अब होमवर्क करना है, और देखिए पीछे पूरा गंदा है, मुझे साफ करना है। 2 दिन से ना मैं बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, घर में छुट्टी रहना है। हाँ, 2 दिन से बिल्कुल डस्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, देखिए पीछे का क्या हाल हो गया है। अभी 2 दिन से फेस्टिवल, मतलब आज और कल मैंने नहीं किया फेस्टिवल के चक्कर में, तो देखिए कितना डस्ट हो जाता है ना बहुत जल्दी, पूरा साफ करना है मुझे, कल करूंगी साफ। आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया, स्टॉप करो, स्टॉप नहीं करेगी, तो आज बेडशीट चेंज किया, कल डस्टिंग का काम करूंगी। तो बस मैं अभी वीडियो ना यहाँ स्टॉप करती हूँ। मैं इस रूम में आई क्योंकि फ़ोन चल रहा है, फ़ोन चलने से क्या होता है कॉपीराइट आने का टेंशन ज़्यादा होता है वीडियो में, कई बार हमें ऐसा होता है ना पता नहीं चलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण हम ध्यान नहीं देते एडिटिंग में, और उसके कारण कॉपीराइट आ जाता है और पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ जाता है या प्राइवेट करना पड़ता है, तो बस इसलिए मैं दूसरे रूम में उठ कर आई हूँ। और बहुत अच्छा मूड था सुबह से, और फिर शाम होते होते दोपहर होते होते मूड थोड़ा सा चेंज हो गया, और कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपके साथ अगर वो चीज़ हुआ तो मैं आगे शेयर करूँगी, और मूड ख़राब हो गया है बस। आज जितना इंजॉय किया था लोहड़ी में सब, कितना अच्छे से सारी चीज़ें, और आज का दिन दूसरे दिन ही ये प्रॉब्लम से थोड़ा सा मन डर गया है, और दिक्कत नज़र आ रही है, तकलीफ नज़र आ रही है मुझे, तो बस थोड़ा सा टेंशन भी है। तो ये जो आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ ना, बिल्कुल भी हैप्पी मूड में नहीं कर रही हूँ, टेंशन भरे मूड में कर रही हूँ, और टेंशन क्यों है वो भी बताऊँगी, क्योंकि जो भी है तकलीफ है, और तकलीफ के साथ टेंशन, डबल तक टेंशन इसलिए भी हो गई है, मैं बताऊंगी आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप कनेक्ट रहना, टेंशन क्यों है आपको खुद पता चल जाएगा आगे वीडियो में। तो फिलहाल तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, थोड़ा मूड भी ठीक नहीं है तो वीडियो अब मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर कुछ अच्छा हुआ चाहे जो भी होगा आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट आपको जल्दी ही मिलेगा।